हेलो एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो आप ये प्रीव्यू में वीडियो देख के आ रहे हैं ये है फोटो प्लस लिरिक्स वीडियो कैसे बनाएं। तो मैं इस वीडियो में पूरा एंड तक समझा रखा हूँ कि इस वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं और आप सिंपल तरीके से एकदम, और वो भी बीएन के साथ। ठीक, तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको बीएन ऐप का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप बीएन ऐप ओपन कर लें। मैंने यहाँ देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्लस का आइकन, यहाँ पर प्लस के आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और जिस भी फ़ोटो को आपने बनाना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ही साथ सेलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक, मैंने यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, तो ये मैं एंड का हिस्सा उड़ा देता हूँ। ठीक, मैं आप क्या करूँगा, म्यूज़िक ले लूँगा। मैं म्यूज़िक ले लेता हूँ, आके या माई म्यूज़िक में आ जाना है। मेरे म्यूज़िक लाइब्रेरी में है तो मैं म्यूज़िक लाइब्रेरी से ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मेरा म्यूज़िक बैड हो गया। आप यहाँ पर जो ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है आपने 916 का कर लेना है। ठीक, और आपको देखना है फ़ोटो आपका पूरा आ रहा है ना। ठीक, अब क्या करना है, मैंने मेरा गाना सुना हुआ तो मैं अपना लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ टीके प्लस पे आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ टेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ पर ऐड हेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक, और जो लिरिक्स है उसे आपने लिख लेना है। आपने ये देख लिया है, आपने यहाँ पर देखना है फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपने अमेरिकन कैप्टन सेलेक्ट कर लेना है और ये फॉन्ट आपको क्रोम पे आसानी से मिल जाएगा और आपने पर सर्च करना है अमेरिकन कैप्टन फॉन्ट और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। यहाँ मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, अब इसको मैं ये कर लेता हूँ। अब मेरे को दूसरा लिरिक्स लिखना है तो मैं इसी को एक बार फिर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर ए यहाँ एडिट में आ जाऊँगा। ठीक, और मैं दूसरा लिरिक्स लिख लूँगा अपना ये। आपको यहाँ पर एफएफ में आ जाना फिर से और यहाँ पर एक डिस्टोरिया नाम का फॉन्ट मिलेगा आपको। जैसे अमेरिकन कैप्टन डाउनलोड किया आपने, डिस्टोरिया फॉन्ट भी ऐसे ही डाउनलोड करना है और यहाँ उसका कलर सेलेक्ट कर लेना है आप। अब यहाँ पर ओपेसिटी में आइए और यहाँ पर इसे रेड सेलेक्ट कर दीजिए। आप जो मर्जी कलर सेलेक्ट करना है कलर कर सकते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, बॉर्डर में आ जाना है। ठीक, और यहाँ भी देखना है लाल कलर। ठीक, यहाँ शैडो में आ जाना है, इधर भी देखना है आपने लाल कलर। अब आपका वीडियो थोड़ा सा एडिट हो गया, यहाँ अप्लाइड नहीं करना पूरा में। ठीक, इसे आपने इधर ले आना है। ठीक, मेरा इधर हो गया। अब एक और लिरिक्स लिखना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ। आपको जो दूसरा वाला लिरिक्स लिखना है वो इधर आके लिखने लिख सकते हैं आप। ठीक, और ये जो दूसरा वाला लिरिक्स का कलर आप अपने तरीके से रख ले, नहीं तो ब्लू रख ले या येलो रख ले। ठीक, मैंने तो ब्लू रखा है तो आप भी ब्लू रख सकते हैं या येलो रख सकते हैं। ठीक, अब इसी को ऐसे ही कॉपी कर करके आप बस एडिट कर दें। अब मैं पहले कर लेता हूँ अपना पूरा, फिर आपको मैं फाइनल दिखाता हूँ। देखिए मैंने पूरा लिरिक्स लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपने फ़ोटो में आ जाना है और इधर एफएक्स में आ जाना है इधर, और आपको एक सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ स्लाइड राइट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इधर हो गया। अब आपको ये वाला जो लिरिक्स है इसके ऊपर वाला, इसे भी आप मोशन के रूप में सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्केल कर देना है इसको और इसको थोड़ा सा 1.2 ड्यूरेशन कर देना है। और ये जो नीचे वाला है इसको भी आपने कर देना है, स्पिन कर देना है। ठीक, अब इस फोटो में भी आपको आ जाना है और एफएक्स में आ जाना है और इसको थोड़ा सा आके आगे आके इधर ये जूम आउट का जो ऑप्शन है इधर कर देना है। और आपको ये जो लिरिक्स वाला है इसमें भी आपको मोशन का करना है, इसमें आपने ये वाला कर देना है, इसको थोड़ा सा देर तक कर दें। आपको ये नीचे वाले में भी करना है, नीचे वाले में आपने ये फेड कर लगा देना है और इस वाले फ़ोटो में आपको रखना है, आप ये एक्सपेंड कर लें। ठीक, और इसमें ये वाला जो इसमें मोशन है इसको आप रख सकते हैं ये वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। और यहाँ पर ये जो नीचे वाला है इसमें आपने रख लेना है
स्लाइड रख लेना है, ठीक। आपको ये वाला रख लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने बस इतना ही करना है और आपका वीडियो एडिट हो गया। देखिए मैं अपना प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इस नीचे वाले में अगर आपको ये नहीं लग रहा है बढ़िया, तो आप ये वाला लगा दे, आपको ये बहुत बढ़िया। ठीक, ये वाला लगा ले सभी में आपको। ये देखिए आपका पूरा फाइनल एडिट हो गया। तो मैं एक बार और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, अब आपको इसको वीडियो को सेव कर ले 180p में सेलेक्ट करके। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको नई वीडियो पे एडिट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करें। धन्यवाद यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए।